डियर सुन, मैं हूँ अब्बास खान, वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर सुन, ZTBL OG3 की किसी ने कमेंट बॉक्स में सवाल पूछा था कि क्या ZTBL OG3 का जो ऑफिसर है, क्या वो डॉक्यूमेंट को अटेस्ट या साइन कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, और आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो एक्सपेक्टेड इंटरव्यू जो है ना वो डेट, ठीक है, कब तक आपका इंटरव्यू जो है ना वो हो सकता है, ठीक है, ZTBL OG3 पोस्ट के लिए। तो इन दोनों सवालों को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं बेसिकली इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से मैं भी क्लासेस दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने स्टार्ट की हुई है इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है ना। और आज जो है ना वो 20/8 है, ठीक है, और आज हमारी बेसिकली थर्ड बेसिकली क्या है वो हमारी क्लास होगी, ठीक है ना। तो और इसके अलावा इसमें आपकी जो है ना वो मॉक इंटरव्यूज़ भी मैं आप लोगों की कंडक्ट करूँगा, ठीक है, मैं ख़ुद इसका लूँगा। तो अगर आप इसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लेता हूँ, 0349 045 652, ठीक है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है। हाँ, दूसरा ये, अच्छा हम फिर सवाल की तरफ आ जाते हैं कि ZTBL OG3 का जो ऑफिसर है, कि आपकी वो डॉक्यूमेंट या उनको साइन कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ZTBL OG3 की पोस्ट के लिए क्या है वो आपका डॉक्यूमेंट भी क्या कर सकता है, उनको अटेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। अगर आप किसी की डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अलाउड है, ठीक है ना। और एज ए OG3 ऑफिसर, जैसे आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है, ठीक है ना, इसके बाद फिर OG3 पोस्ट आपको ऑफ़र की जाती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, जब कंफर्म हो जाती है आपकी अपॉइंटमेंट, तो फिर आपको 16 स्केल आपके पास आ जाती हैं और फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप अटेस्ट या साइन कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो पहली बात जो है ना वो ये हो गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आ जाते हैं इंटरव्यू के एक्सपेक्टेड डेट कब होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो, आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आप इन जॉब्स के लिए आपने कहीं पे अप्लाई किया हो, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर, लेक्चरर, असिस्टेंट मैनेजर जो कि वाबडा में आती है, अकाउंट एंड फाइनेंस, या अकाउंटेंट के लिए आप जो है कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी जॉब, PPSC, KPPSC या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो भी जाना डीएसएन के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इसकी जाना वो क्लासेस में ऑफ़र करता हूँ, ठीक है। इनके डेमो लेक्चर डीएसएन क्या है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8-9 लेक्चर मैंने डेमो लेक्चर बनाए हैं, ठीक है, वो आप जाना वो ज़रूर जाना वो डीएसएन क्या है वो देख लीजिएगा, ठीक है। और आजकल हमारे जो है ना वो लेक्चरर 17 ग्रेड के जो है ना वो PPSC के थ्रू जो 103 पोस्टें आई थी उसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है डीएसएन। और इसी तरह डीएसएन सीनियर ऑडिटर क्या है, इसकी पोस्ट क्या है 2024 में क्या है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, जो कि 400+ पोस्ट डीएसएन होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए जाना आप मुझे जाना डीएसएन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसकी सून 2024 में किसी भी टाइम जाना वो एडवर्टाइजमेंट आएगी और 400+ जो है इसकी पोस्टें होंगी, ठीक है डीएसएन। डियर स्टूडेंट्स, आपका क्या था, आपका 14 बेसिकली जुलाई को आपका क्या होता वो टेस्ट हुआ था, ठीक है ना। और आज बेसिकली क्या है, आज क्या है बेसिकली 20 अगस्त है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, 16 दिन हो गए और ये 20 दिन हो गए, ठीक है ना। तो ये तकरीबन कितने हो गए, ये आपके पास क्या हो गया 36 क्या हो गए ड्रेस क्या हो गए टिल 20 अगस्त, ये क्या आ गए आप आ गए हैं, ठीक है। और अभी तक आपका क्या होगा, इंटरव्यू की डेट नहीं आई है, ठीक है ना। तो डी एक्सपीरियंस क्या होगा, अच्छा प्रीवियस जो हुआ था ना 2024 का जो बैच था, ठीक है ना, 1/7 वाला, ठीक है ना, 1/7 वाला जो, ठीक है ना। तो उसमें बेसिकली प्रीवियस जो बैच था वहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था डी एक्सपीरियंस की, वहाँ पर आपका बेसिकली 1 मंथ, ठीक है ना, 1 मंथ और 10 दिन तकरीबन क्या था, 1 मंथ और 10 दिन यानी 40 डेज बाद क्या था आपका इंटरव्यू कॉल लेटर क्या होते हैं वो अपलोड हो गए थे OTS की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, जो आपका प्रीवियस बैच था 2024 का, ठीक है। लेकिन अभी तक जाना 36 दिन गुजर गए हैं, अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये है डेस्ट कि आप क्या करें अभी से, ठीक है ना, आज से लेकर क्या करें मज़ीद आप क्या करें 15 से 20 जो आपका डेज है, ठीक है ना, डेट तो मैं एग्जैक्ट को नहीं बता सकता, ठीक है ना,
वो तो आपको ZTBL का ही HR डिपार्टमेंट बताएगा, ठीक है ना। इवन ये OTS वालों को भी नहीं पता कि आपके इंटरव्यूज कब कंडक्ट होते हैं, ठीक है। वो तो OTS वालों ने क्या किया, रिजल्ट क्या किया होगा, आगे ZTBL को दे दिया होगा। और अब ZTBL ने क्या करना है, OTS को इन्फॉर्म करना है कि ये फिलहाल डेट को हमारे इंटरव्यू कंडक्ट होने हैं, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या करें, सब के क्या करें, ये इंटरव्यू कॉल लेटर अपलोड करें, ठीक है। तो इवन OTS को तो नहीं पता ना, उसने ZTBL से सारा इन्फॉर्मेशन लेनी है, ZTBL ने उनको, HR डिपार्टमेंट ने उनको इंटीमेट करना है, ठीक है। अभी उनको पता नहीं है, अगर आप कॉल भी करेंगे वो नहीं बताएंगे। तो अब ये क्या डे सुन, आप क्या करें, 15 से 20 डेज क्या करें, आप मज़ीद क्या करें, इंतज़ार करें, ठीक है ना। होपफुली क्या होगा कि उसमें आपके इंटरव्यू कॉल लेटर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या, जैसे मैंने पहले बताया, ये कभी कभी क्या हो जाती है, लेट भी हो जाती है, ठीक है। जब मैं 2018 का जो मैंने जब किया था ना, तो वहाँ पर कोई क्या था, 4 से 5 महीने बाद क्या होते मेरे इंटरव्यूज़ कॉल लेटर मुझे मौसूल हो गई थी, ठीक है, तब पोस्ट ऑफिस की थ्रू हुई थी, ठीक है। तो इतना आ गया बेसिकली क्या था, बहुत ज़्यादा टाइम, काफ़ी अच्छी खासा टाइम लग गया था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा लेट भी हो सकती है, ये भी चीज़ क्या करें आप माइंड में बेसिकली क्या कर रही हूँ वो रखें, ठीक है। अच्छा, लोग फिर र्यूमर्स क्या करते हैं, वो फेसबुक पेज के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं ना, वो ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं कि जनाब ये वाला ये पोस्ट कैंसिल को क्या हो गई, कैंसिल हो गई है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये जस्ट र्यूमर्स है फेसबुक के ऊपर, आपको पता है ये काफ़ी फेक्स न्यूज़ वगैरह है वो सर्कुलेट होती हैं, और किसी ने मेरिट भी शेयर किया होता है कि इसके लिए मेरिट है, हालांकि वो फेक है, ठीक है। वो किया होता है, टेस्ट डेट भी किसी ने अनाउंस किया होता है वगैरह, प्रीवियस बेस में ऐसे ही हुआ था, ठीक है। तो सब कुछ क्या होता है, फेक निकला था। ओनली ओरिजिनल जो आपका वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट है, वो क्या, OTS की वेबसाइट है। सब आपको, अगर वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसका मतलब वो ऑथेंटिक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसका मतलब ये वो सारे क्या है, वो फेक है, ठीक है। तो ऐसा पोस्ट बेसिकली क्या, वो कैंसिल नहीं हुए, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मेरे टाइम पे 4-5 मंथ बाद इंटरव्यूज कंडक्ट हो गए थे, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ भी क्या करें, ये वाला फैक्टर भी आप माइंड में रखिएगा, लेकिन आपके इंटरव्यूज़ लाजमी क्या करेंगे वो होंगे, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जाना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप इस नंबर के ऊपर आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बाकी डिटेल वगैरह है वो आप शेयर, मैं आप लोगों के साथ क्या करूँगा वो शेयर कर दूँगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।